आप सभी को नमस्कार। आज आपसे 19 जून का वैक्सीनेशन बुलेटिन साझा करने जा रही हूँ। को टोटल 77,345 डोजेज़ वैक्सीन की एडमिनिस्टर हुई, जिसमें से 62,230 फर्स्ट डोज थी और 15,115 सेकेंड डोज वैक्सीन की थी। इसके साथ दिल्ली में टोटल संख्या जो वैक्सीन डोजेज़ एडमिनिस्टर्ड है वो 64,26,302 पर पहुँच गई है। जैसा कि हम बार बार शेयर करते रहे हैं, जब भी दिल्ली के पास 18-44 के एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल होती है, वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ जाती है। जैसे जैसे यूथ के लिए वैक्सीन ख़त्म हो जाती है, एकदम से वैक्सीनेशन की स्पीड गिर जाती है। तो हमें ये बात शेयर करते हुए खुशी भी है कि कल दिल्ली को कोविशील्ड का 1,67,000 के करीब का अपना एक इंस्टॉलमेंट वैक्सीन का मिला है। इसके साथ दिल्ली के पास 18-44 के एज ग्रुप के लिए 2,95,000 के पास तकरीबन वैक्सीन की डोजेज़ हो गई हैं, जिसमें से 37,000 लगभग कोवैक्सीन की और 2,58,000 लगभग कोविशील्ड की डोजेज़ हैं। जो आने वाले समय में कोवैक्सीन हमारे पास 2 दिन का स्टॉक और कोविशील्ड का 14 दिन का स्टॉक यूथ के लिए अब अवेलेबल है। इसलिए मेरा आग्रह है दिल्ली के युवाओं से कि आप कोविन ऐप पर आगे आकर अपने लिए वैक्सीन का स्लॉट ज़रूर बुक करें, और जब आप वैक्सीनेशन करवाने जाएं तो आपके परिवार में अगर कोई भी 45 प्लस का है और उसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उसको भी साथ लेके जाएं। 45 प्लस के लिए दिल्ली के पास तकरीबन 8.5 लाख डोजेज़ वैक्सीन की हैं, जिसमें से 80,000 कोवैक्सीन और 7,65,000 के आसपास कोविशील्ड की डोजेज़ हैं। कोवैक्सीन का 6 दिन का स्टॉक और कोविशील्ड का 58 डेज का स्टॉक हमारे पास उपलब्ध है। अभी सबसे ज़रूरी चीज़ दिल्ली को अगली वेव से बचाने के लिए वैक्सीनेशन है। अभी वैक्सीन का स्टॉक दिल्ली में उपलब्ध है, इसलिए हमारा दिल्ली के सभी लोगों से आग्रह है कि वह ज़रूर सामने आएँ और अपना वैक्सीनेशन ज़रूर करें। 14-15 साल से हम निगम को देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले इन 14-15 सालों में जिस तरह से निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है, इससे दिल्ली का बच्चा बच्चा वाकिफ है। सबको पता है किस तरीके से उन्होंने निगम को जो है पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रखा है। इसी सिलसिले में हम लोगों ने पिछले 4 साल से निगम का हिस्सा बन के जो चीज़ें देखी और पिछले 1 साल से एज ए लीडर अपोजिशन जो हमने चीज़ें देखी, जो हमारी समझ में आती हैं, जो दिल्ली की जनता भी जानती है और उसको जानने का हक भी है कि किस तरीके से ये लोग निगम को सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भारतीय जनता पार्टी को कि दिल्ली की जो व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था हो या और जो सिविक एजेंसियों की जो जिम्मेवारी है वो कैसे ठीक होंगी कैसे नहीं होंगी। जो हम समझ पा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले 4 मेयर लगातार बदले, उनकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। और अब उन्होंने इस बार और ऐसे ढूंढ के अपने हीरे को लेके आए हैं मेयर के लिए साउथ एमसीडी में, जिसपे कोर्ट के द्वारा फटकार लगी हुई है। कोर्ट ने धमकाया है उसको, कोर्ट ने बोला है कि आपने अगर दोबारा इस तरीके का कोई कृत्य किया तो आपको डायरेक्ट जेल भेज दिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को भाजपा ने साउथ एमसीडी में मेयर बनाने का काम किया है। ये दर्शाता है कि भाजपा किस तरह से निगम को लेके सीरियस है। दिल्ली में किसी भी तरह की कोई बड़ी बिल्डिंग बननी हो अनऑथराइज तरीके से, कोई लाइसेंस लेना हो बड़ा, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना हो कोई बड़ा, तो मात्र जो मेयर बैठे हुए हैं, जो इनके नेता बैठे हुए हैं जो निगम में, जिनको ये चुन के छाट के अच्छा जो सबसे ज्यादा उगाही करता है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के ये मेयर बनाते हैं, स्टैंडिंग चेयरमैन कमेटी का चेयरमैन बनाते हैं कि जो सबसे ज़्यादा उगाही करके दे। तो जो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं या कोई बड़े लाइसेंस लिए जाते हैं, उसमें साफ साफ सीधे सीधे तरीके से भाजपा को चंदे के रूप में पैसा कौन ज़्यादा दिलवा सकता है। इसके साथ ही उन लोगों के पेट भरने चाहिए, उन लोगों की भी जेब में पैसा आना चाहिए, ये भी वो सुनिश्चित करते हैं। और यही वजह है कि निगम को आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि वो ना सैलरी दे पाते हैं, ना सफाई व्यवस्था ठीक है, हर चीज़ चरमराई हुई है। हम दिल्ली की जनता से और हम जिम्मेवारी से खुद भी कहना चाहते हैं कि हम पूरी नज़र रखेंगे कि आखिरी साल है, ये आखिरी मेयर दिया है, जो भी दिया है इन्होंने,
दिल्ली की जनता को भी नजर रखनी है और हम भी नजर रखेंगे इन पे कि किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार ना कर पाए। जहां भी ये थोड़ा बहुत भी करने की कोशिश करेंगे, आम आदमी पार्टी और मैं लीडर अपोजिशन साउथ एमसीटी के होने के नाते मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि हम इन्हें एक रुपए का भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। जहां भी करेंगे हम विरोध करेंगे, आवाज उठाएंगे, लेकिन इन्हें भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। ये हम सबकी जिम्मेवारी है। तो भाजपा का जो लास्ट का ये साल 7-8 महीने बचे हैं, इसमें लूट मचाने का जो खेल है वो अब बंद करें, क्योंकि अब जो आने वाले चुनाव में उसमें भाजपा को दिल्ली की जनता बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। धन्यवाद।